स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र से है, जहां आज दोपहर में इकोना बाईपास डांग बंगला के पास दो बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक 60 साल का व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों की सहायता से इकोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया, जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापुर निवासी कृपा नारायण पुत्र मनीराम अपनी पत्नी के साथ इकोना के बाईपास डाक बंगला के पास किसी काम से गए हुए थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे किसी दरोगा की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में दरोगा को भी चोटें आई हैं, जिनका किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। कृपा नारायण को इकोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कृपा नारायण का सिर फट गया है, आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफर कर दिया गया है। अस्पताल में लेटे कौन है आपके? आदमी है। आपके पति हैं? जी। अच्छा, इनको चोट कैसे लगी? ये उधर से बलरामपुर रोड से दरोगा आ रहे थे, हम इधर से निकले तब तक उधर से वो टक्कर मारे। कोई पुलिस वाला टक्कर मारा? हाँ, अच्छा, वर्दी पहने हुए था? हाँ, वर्दी पहने थे। तो बाद में क्या हुआ, वो पुलिस वाला लाया नहीं अस्पताल में भर्ती कराने? नहीं, वहाँ नहीं, आर के मिश्रा में ले गए, फिर वहाँ से दूसरा कोई हमके यहाँ पर टेम्पो ऑटो से लेके आया है सरकारी में। अच्छा, क्या आपके पति की हालत कैसी है इस वक्त? अब वो कपार बेहोश में पड़े हैं वैसे। अच्छा, ठीक है।